आशा, अगर आपने बम ना देखा होता तो हम मर चुके होते। भाई लाकई साहब, अगर हम इस मलबे को ना हटा सके तो हम यही मर जाएंगे। सुरंग तबाह होने की वजह से बाहर निकलना मुश्किल है। ये किस किस्म का जाल है पाशा? कुछ समझ नहीं आ रहा है इस्माइल हकी साहब। वो हमारे हर इकदाम के बारे में जानते हैं। इस्माइल हकी साहब, हम इसे नहीं तोड़ सकते। ये क्या हो रहा है पाशा? इमारत गिर रही है। अब अंदर की ताजा हवा भी कम होती जा रही है। हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। सिपाहियों ने उन्हें आखिर होते हुए तो देखा था, कि उन्हें बाहर आते नहीं देखा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा, वो दोनों कहाँ गायब हो गए? वो जेर जमीन चले गए हैं। उस इलाके में सुरंगें हैं। फौरी तौर पर जेर जमीन तलाश शुरू कीजिए। जैसा आपका हुक्म। करो जल्दी से खुदाई करो। शाबाश। बहुत सी जंगें लड़ी हैं मैंने। यूनानी जंग में जासूसों का सरबरा था मैं। मैंने लंदन और पेरिस में डाकुओं का पीछा किया। उनके जासूसों के साथ जंग की मैंने। मोहब्बत को खो दिया अपनी। क्या अब इस तरह इख्तिताम होगा इस्माइल हक साहब? शहादत, क्या ये वो गुलाब नहीं था जो हमारे ख्वाबों में खिला हुआ था? आप मुस्कुरा रहे हैं। हम अल्लाह से मिलने वाले हैं। इस्माइल हक साहब, हम मुझसे जुदा ही कब हुए थे? यही ईमान है। मैं अफसरदा हूँ क्योंकि सुल्तान मौसम को अकेला छोड़ रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। लेकिन अल्लाह है। इस्लाम का मालिक अल्लाह है। अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस्माइल हक साहब, माफ कर दीजिएगा मुझे। मैं माफ करता हूँ। आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा पाशा। मैंने भी माफ किया। अल्लाह अकबर। मेरे मालिक, तू अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है यार। हमें इस लाचारगी से बचा मेरे रब। इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद फरमा। महमूद पाशा, हा? क्या ये ख्वाब है? ये ख्वाब नहीं है अहमद पाशा, ख्वाब नहीं है। आप दोनों बच गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। फरमाए अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाकया आखिर कैसे पेश आया? सुल्तान मौसम, इमारत में दाखिल होने के बाद मैंने देखा कि वहाँ बम नस्ब है। जैसे ही हमने ये देखा, तेरे जमीन रास्ते में कूद पड़े हम। बम धमाके के बाद रास्ता मुनहदिम हो गया। अंदर घुटन काफी बढ़ गई थी। फिर हम बेहोश हो गए। उसके बाद जब आँख खुली तो महमूद पाशा और सिपाही वहाँ पहुँच चुके थे। शुक्रिया,